सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। श्रावस्ती जनपद के इकौना स्थित ब्यासी भवन पर शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज, राष्ट्रहित और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले 50 शिक्षकों को खंड शिक्षा अधिकारी इकौना ने सम्मानित किया। शिक्षक दिवस के अवसर पर ब्यासी भवन पर शिक्षक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इकौना क्षेत्र के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सोमवार को ब्यासी भवन इकौना में खंड शिक्षा अधिकारी प्रिया पाठक ने शिक्षकों को सम्मान किया। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर खंड शिक्षा अधिकारी प्रिया पाठक और नगर पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र कुमार गुप्ता के द्वारा माल्यार्पण किया गया। उसके बाद शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रिया पाठक ने बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 को हुआ था। उनका जन्म भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक विद्यार्थियों में संस्कार और ज्ञान का समावेश करता है, इसलिए आज के समय में जरूरत है कि विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जो समाज और राष्ट्र के हित में हो। श्रावस्ती जनपद के इकौना ब्लॉक संसाधन केंद्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसी तरह से स्वर्गीय श्यामता प्रसाद चौधरी महिला पीजी कॉलेज, चौधरी राम बिहारी बुद्धा इंटर कॉलेज, जेतवन इंटर कॉलेज में भी बड़े धूमधाम के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया। इस मौके पर रविन्द्रनाथ पाठक, ब्रजेश पासवान, निशांत त्रिपाठी, महाराज बली सरोज, उमेश सिंह सोमवंती, शिखा श्रीवास्तव, नेहा पांडे, सुनीता यादव, बीनू राजपूत, डॉक्टर सिमी तिवारी, डॉक्टर धर्मेंद्र गुप्ता, डॉक्टर श्यामनारायण वर्मा सहित सैकड़ों शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ मौजूद रहीं, जिनकी मौजूदगी में जगह जगह शिक्षक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौधरी श्यामता प्रसाद महिला पीजी कॉलेज की ये तस्वीरें हैं, जहां पर हर्षोल्लास के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया। इस दौरान शिक्षक की महत्ता पर प्रकाश भी डाला गया। आज इस सभागार में उपस्थित जगतजीत इंटर कॉलेज मार्गदर्शक, जैसा कि मैंने ही जगतजीत में विगत 4.5 वर्ष इंटरमीडिएट लेवल पर केमिस्ट्री शिक्षक के रूप में कार्य किया है, और गुरुजी हम सबके एक पथ प्रदर्शक प्रेरणास्रोत के रूप में लगातार मार्गदर्शन करते रहे। हम अपने गुरुजी को, आदरणीय फूसला जी को निवेदन करेंगे कि आज के इस पावन अवसर पर हमारे सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों को जो